Hello friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Welcome again to your own channel. Today we will talk about the District Court Recruitment 2018-19. Our latest advertisement has been issued named as District Court Recruitment. So applications are invited from eligible and capable candidates for filling up 30 vacant posts of Clerk at Rewari, Haryana High Court. So let's discuss about the vacancies in detail. Name of the post, I already told you, that is clerk, and the number of vacancies are 30 here. Eligibility criteria ki agar baat ki jaye, to jo candidates is job ke liye apply karna chahte hain, unka bachelor degree with arts ya science ya kisi equivalent tharato se karna zaruri hai from a recognized university and with good academic records. एज लिमिटेशन की बात की जाए तो आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम एज या फिर रिलैक्सेशन जो कैटेगरीज को दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी दी गई है. रेम्यूनरेशन डिटेल की अगर बात की जाए तो आपको इम्प्रेसिव और सेटिस्फाइंग अमाउंट ऑफ सैलरी दिया जाएगा अलॉन्ग विद द फर्दर पर्क्स एंड प्रॉफिट एज पर द नॉर्म्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2000 रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात की जाए तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करना होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं. कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, दैट इज़ district.ecourts.government.in/rewari. देन आप नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए. होम पेज पर जाते ही वहाँ पर आपको employment.pdf लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो pdf खुल जाएगी और उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जॉब जो भी डिटेल्स हैं वो आपको सारी की सारी वहाँ पे दिख जाएंगी. जो भी डिटेल्स हैं उसको रीड आउट कीजिए, देन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. सॉरी, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड है तो आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो आप करिए, क्योंकि ऑफलाइन मोड है तो आपको इसे पोस्ट करना पड़ेगा नीचे दिए गए एड्रेस पर, एंड द एड्रेस इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिवाड़ी, हरियाणा. इम्पॉर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 3 दिसंबर 2018 है, यानी कि आपको 3 दिसंबर 2018 से पहले पहले आपको इसको सबमिट कर देना चाहिए. बिकॉज ऑफलाइन मोड है, आपके सिर्फ लास्ट क्लिक की बात नहीं होगी इसमें. So wish you good luck for this exam and thanks for watching this video. Don't forget to like and share, and for more updates subscribe this channel, and if you have any comment then please comment me on comment section.